हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरी वर्बीना देख रहे हैं आप, ये पिंक है, ये पर्पल है और ये है रेड। देख रहे हैं ये तीन कलर की वर्बीना अभी मेरे पास बची हुई है। देखो बारिश में क्या होता है, अभी मानसून स्टार्ट ही हुआ है, अभी 8-10 दिन से हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हुई है, मगर मेरी वर्बीना बहुत अच्छी चल रही है। देख रहे हैं आप, इतनी फैल रही है बहुत ज़्यादा ये वाली वर्बीना। बारिश के टाइम पर मुझे बचाना मुश्किल हो जाएगा, मगर अभी तो फ़िलहाल मैंने बचा रखी है। तो वर्बीना की केयर कैसे करें मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। पहली बात तो ये सर्दियों का प्लांट है, तो इसकी लोकेशन ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे हवा, हल्की धूप और थोड़ा सा पानी इस तरह का मिले, मगर एक्स्ट्रा पानी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये इसकी जड़ें गल जाती हैं और मर जाता है। तो बारिश के टाइम पर इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं, सैंडी सॉइल हो, जिससे कि ये पानी इसमें पड़े और निकल जाए, पानी रुके ना, है ना। तो इस तरह की, और ये देखिए धूप से जल भी गई है, मगर मैंने अब इसकी लोकेशन ऐसी जगह रखी है कि मॉर्निंग की तो धूप मिले। देख रहे हैं आप, ये मॉर्निंग की 8:30-9 बजे तक की धूप मिले इसे, फिर इसके बाद इसकी छाया होगी, फिर इधर इसकी छाया होगी गुलदौदी की। ऐसे ही मैंने ये लगा के रखा है इस तरह से। तो अपने प्लांट की केयर को ऐसी लोकेशन पर शिफ्ट करें जहाँ इन्हें धूप तो मिले, मगर बहुत हल्की धूप मिले, तेज़ धूप ना मिले, दोपहर के जो 2-3, 12-1, 2-3 बजे की धूप होती है वो ना मिले, केवल गुनगुनी हल्की धूप मिले सुबह की या शाम की। और पानी को बिल्कुल सूखने मत दें, और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप डालना ही डालना है आपको, चाहे लिक्विड डालें। अब इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र मैं नहीं डाल सकती, तो मैं लिक्विड ही डालूंगी। और देख रहे हैं कितनी हेल्दी है, कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं इसके। तो इसका रीज़न यही है कि ये थोड़े से बड़े पॉट में लगाइए, पानी जल्दी सूखता नहीं है, दूसरे पानी रुकता भी नहीं है। अभी मैंने पानी लगाया है और देखिए पानी रुका नहीं है, सब एडजस्ट करके फिर छोड़ दिया, जो भी चाहिए होता है वो रख लेती है, बाकी छोड़ देता है पानी। ये इस तरह की मिट्टी हो तो आपके प्लांट आसानी से चल जाएंगे। और बारिश के टाइम पे बस आपको इसे बारिश से बचाना होगा। मैं देखती हूँ बारिश में इसे कैसे बचाती हूँ, कुछ नेट वगैरह लगा दूँगी या फिर कुछ और अरेंजमेंट करूँगी बारिश का, बस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो और लिक्विड फर्टिलाइजर तो मैं देती हूँ। ये मेरी गर्मियों वाली वर्बीना है, देख रहे हैं आप, ये तो ये भी अच्छे से चल रहा है। कुछ मेरे सर्दियों के प्लांट, ये डैंथस एक ये है, और एक ये है सर्दियों के प्लांट। ये 2-3 प्लांट मैंने बचा के रखे हैं, अभी ऐसी जगह शिफ्ट किया है जहाँ से धूप 1-12 बजे तक की धूप मिल जाती होगी। यहाँ पे 11-12 बजे तक धूप रहती होगी, उसके बाद में शेड आ जाता है, छाया दीवार की वजह से छाया आ जाती है। तो ये अच्छे से चल रहा है, ऐसे ही ये है, ये भी पिंक है, एक वाइट और है जो मैंने डैंथस का लगा रखा है। तो सर्दियों के प्लांट मेरे यहाँ कुछ प्लांट अभी भी चल रहे हैं। और ये जरबेरा वगैरह है, ये मुझे अब शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इन्हें भी मुझे बचाना होगा, अब थोड़ा हटाना होगा यहाँ से। तो सर्दियों के प्लांट कुछ मेरे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, बालसम भी मेरा कुछ बचा हुआ है सर्दियों के प्लांट, और ये देखो ये है वाइट कलर का, और ये मैंने इस बॉटल में लगा रखा है। इसकी मिट्टी देखिए मॉइस्ट है, मगर पानी रुका हुआ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आप मिट्टी दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको, देखिए मॉइस्ट मिट्टी है, क्योंकि जब पानी लगाती हूँ इसमें तो इसमें भी दे देती हूँ, मगर इतने होल कर रखे हैं इसमें पानी रुक नहीं सकता। तो इस तरह के आप पॉट तैयार करें सर्दियों के प्लांट के लिए, और आपके प्लांट बहुत बढ़िया से चलते रहेंगे। मेरे कुछ कुल्हड़ भी खिल रहे हैं, ये देखिए ये सुंदरू खिल रहे हैं मेरे, बहुत प्यारा लग रहा है ये पिंक वाला। मेरे येलो ख़राब हो गए, वो सारे प्लांट येलो के हैं और वो सारे पीले पीले हो गए, पीले फूल थे पीले पत्ते हो गए उसके। और कुछ ही मेरे डॉग फ्लावर हैं, एक ये है डॉग फ्लावर, ये तो धूप में ही रहता है, सुबह से शाम तक किसे धूप मिलती है ये, और एक डॉग फ्लावर ये है। ये कुछ डहेलिया हैं सर्दियों के मेरे प्लांट हैं, ये कुछ ये है, ये दिख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग आ रही है, मैं इसे कट कर दूंगी, अभी फूल आ रहे हैं, इसमें इस ब्रांच को इस तरह से कट कर देंगे तो ये इसमें और भी फूल तैयार हो जाएंगे आने, है ना। किस तरह के ब्रांच ऐसे कट करते रहेंगे तो नए नए फूल आते रहते हैं ऊपर की तरफ, देखो इस तरह से। तो मेरे कुछ सर्दियों के प्लांट हैं जो चल रहे हैं अभी भी, और बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए डैंथस खूब फूल भी दे रहा है। बस ध्यान इतना रखना है, मिट्टी का ही ध्यान रखना है कि मिट्टी अच्छी हो ड्रेनेज सिस्टम वाली। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।